स्थानीय प्रशासन ने मॉनसून सीजन को चुनौती के रूप में लेते हुए प्रबंधन की सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने मिनी सचिवालय में कोविड प्रोटोकॉल के तहत विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बरसात के मौसम के दृष्टिगत विशेष सतर्कता व सजगता बरतते हुए तुरंत कार्रवाई करें ताकि किसी भी आपदा से समय रहते निपटा जा सके। डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि किसी भी घटित होने वाली प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता है, परंतु बेहतर प्रबंधन व विभागों के आपसी तालमेल से आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपदा के दौरान तुरंत कार्रवाई करते हुए कम से कम समय में कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मॉनसून के दौरान उपमंडलाधिकारी के कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके दूरभाष नंबर 01893220024 पर कोई भी सूचना दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में पानी की निकासी वाली नालियों के बंद होने के कारण सड़कों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी नगर परिषद के अधिकारियों को मॉनसून से पहले सभी नालियों का निरीक्षण करने तथा उचित सफाई करवाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त बिजली विभाग को पेड़ों के पास से गुजर रही विद्युत लाइनों को तुरंत हटाने तथा ऐसे पेड़ों की सूचना तुरंत प्रशासन को देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूस्खलन वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए और किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान सड़कों को बाधा रहित बनाने के लिए समय रहते उचित प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग को सभी जल आपूर्ति स्रोतों सहित भंडारण टैंकों की जल्द सफाई करवाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। एसडीएम ने अधिकारियों को लोगों द्वारा नदी नालों के लिए अनाधिकृत तौर पर बनाए गए रास्तों को तुरंत बंद करने व इसके नजदीक चेतावनी बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग को नदी नालों के किनारे रहने वाले प्रवासी परिवारों तथा मवेशियों को वहां से तुरंत हटाने व सुरक्षित स्थानों पर भेजने के भी निर्देश दिए। एसडीएम ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे बरसात के मौसम के दौरान अपना फोन स्विच ऑफ न रखें और न ही बिना किसी पूर्व अनुमति अपना मुख्यालय छोड़ें। मॉनसून प्रिपेरेडनेस को लेकर आज हमने तमाम विभागीय अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग की है। इसमें हमने सब डिविजन लेवल पे कंट्रोल रूम स्थापित किया है। 220024 कंट्रोल रूम का नंबर होगा जो राउंड द क्लॉक काम करेगा। मेन डिपार्टमेंट मेनली जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं इनको डायरेक्शन दे दिया है कि वो जो है अपने प्रिपेरेडनेस रखें। पानी को लेकर जो है हमने इसके लिए भी हमने सेपरेट ड्रिंकिंग वाटर को लेकर हमने जो है उसके हमने आदेश आईपीएस डिपार्टमेंट को दिए हैं। जितने भी सूखे पेड़ डेंजरस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सड़क के किनारों पर है या कहीं कहीं हैं, जो भारी तूफान से जो है टूट कर किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में भी हमने निर्देश दिए और सभी विभागों को इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है अपना रेडी रखने के निर्देश दिए गए हैं। टीवी के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।